मैं फैक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फैक्ट कैसे, मैं कुछ खुद ही कुछ फैक्ट क्रिएट कर रहा था। मैंने शिव जी के ऊपर पढ़ा, मैंने माता पार्वती जी के ऊपर पढ़ा, एंड मैंने नामों को चेक करा कि हाँ हिंदुज़म में कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है लेडीज़ को, या हमारे घर में जो हमारी लेडीज होती है उनको, बहन को कैसे माता माना जाता है, सब कुछ मैं पढ़ रहा था। पर फिर ना मैं सब समझ गया कि यार ये सब हो चुका है। मैं ठहरा क्रिएटर, इनोवेटिव ढूंढने की कोशिश करा, इंडिया में मैंने हार मान ली। अच्छा, हार क्यों मान ली? तो एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि देखा जाए हमारे पेरेंट्स ने या हमारे दादा दादी ने ही हमें इसके बारे में नहीं सिखाया। किसके बारे में? हमारे धर्म के बारे में, कि अगर हम हिंदू हैं तो हम क्यों हैं, हम हमारा पास्ट क्या है, हमारे कौन कौन से भगवान हैं, क्या है। एक देखा जाए मैंने आज तक गीता कंप्लीट नहीं करी, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे। अगर आगे जाके ये फैक्ट बन सकता है, बेशक ये भी फैक्ट ना हो, कि अगर कुछ जिस चीज़ का हम लोगों को डर है वो हुआ, उसका एक कारण ये हुआ क्या, हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमें हमारे धर्म के बारे में, उन्होंने ही इंटरेस्टिंग, देखो यार बच्चे की क्यूरियोसिटी को आप जगा सकते हो और बुझा भी सकते हो। जगाने में समय लगता है, बुझाने में मैं खुद पढ़ता हूँ तो कुछ जान रहा हूँ इस चीज़ों के बारे में। आज का ये सिर्फ एक छोटा सा कंसर्न इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाना चाहता था, तो ये व्लॉग स्टार्ट करो, लेकिन एंडिंग में व्लॉग थोड़ा सा परेशानदायक होने वाला है, वो दिखाने के लिए एंड तक देखना। वैसे मैं ये वाली वीडियो का व्लॉग, मतलब ये पार्ट दूसरी बार ले रहा हूँ। धूप तो अच्छी आ रही है, पर हमारी जिंदगी में कब धूप आएगी? एक बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ कुछ भी नहीं। आज स्टार्ट करते हैं पहले। वेलकम बैक टू चैनल, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ऐसे व्लॉग की स्टार्टिंग में बैड न्यूज़ बता देना थोड़ी सी उल्टी बात है, पर आज मैं एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो कि मैं सच में बियर करता हूँ। ओके, पहली बैड न्यूज़, मैं कंडीशन, मैं पूरी सिचुएशन समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा दुख दर्द है पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब लॉकडाउन लगने वाला था, लॉकडाउन से पहले मेरा एक रीसेलर था, मेरे एक रीसेलर के उसके फैमिली में कुछ इशू हुआ, लाइक उसका अपने हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हुआ, फिर वो अपने घर चले गए, उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। एंड ऐसे टाइम पे किसी के पास भी पैसे नहीं है, इवन तो मेरे पास भी नहीं है, मैं क्या करता हूँ, पैसे बिल्कुल कंगाल हो रखे हैं, नल्ले हो रखे हैं, बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली चल रहे हैं, कुछ नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में ऑब्वियसली कपड़े कौन खरीदेगा, रीसेलिंग कौन करेगा, कर रहे हैं पर कम चल रहा है, और ट्रांजेक्शन इतनी बड़ी बड़ी घूम रही है, मार्जिन इज़ लाइक 20-30 रुपीज़ लेस देन इवन 10%। उस केसेस में पड़ते मेरे को पैसे की जरूरत। अब उसने कितने पैसे ले रखे हैं? ज़्यादा नहीं है, है 5,000, लेकिन अगर काम चल रहा होता अच्छा खासा लेवल पे तो वो 5,000 मेरे लिए वॉल्स चलो ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई घर की जिम्मेदारी नहीं है, मैं सह सकता था, पर अब मैं नहीं सह सकता। उसने रख लिया, अब ना तो फ़ोन उठ रहा है ना मैसेज का रिप्लाई, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होते हैं पर रिप्लाई नहीं कर रहे। ओके ठीक है, ये कंडीशन समझ आती है कि आप मेरे को पैसे नहीं दे पा रहे, पर एटलीस्ट रिप्लाई करो। पहली बार दुख हुआ, मतलब जिस बंदे के लिए हमने इतना कॉर्पोरेट करा, बट इन दी एंड मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर रहा है। सो गया उठा, 3-4 इशू ऐसे थे वजह कि दिमाग फिर खराब, बत्ती गुल हो जाती है एकदम मेरी तो। चलो यार चलते हैं भाई दुकान पे, क्योंकि माल लेके आना है। युवराज कुरियर सर्विस फिर से चालू होने वाली है, फिर लॉग इन करेंगे बस। हेलमेट उसी में, ये क्या हो रहा है? पानी देखना कितना भर गया। मैंने ना बहुत सारे मीम देखे इस चीज़ को चलते हुए कि केजरीवाल कह रहा था सिंगापुर बना देंगे दिल्ली को। बहुत बंदे मीम डालते हैं, ये रहा हमारा सिंगापुर और सिंगापुर में ये रहा हमारा तालाब।
ओ भाई बात सच है, ठीक है सब अपनी अपनी रहेगा ठीक। अगर दुनिया झुकने लगे, झुकने का मतलब यानी कि अपनी गलती मानने लगे, तो दुनिया दुनिया बन जाएगी, पर दुनिया झुकती तो नहीं। ये तो एक बार तो ट्राई करा भी था हमने, ट्राई किया था पर आपने किया था ना, मेरे से किया नहीं जाता। एक तो लड्डू के कपड़े इतने सारे हैं जो पूरी से कुछ नहीं गिर ली, तो आदि के पास ही है हमने। ये मम्मी ने गिफ्ट किया था इसलिए मैं खोल लूंगा। मेरे खिलौनों की खास बात थी, मैं तो तोड़ मतलब तोड़ता नहीं था, मैं तो पूरा वपड़ लेता था। मैं ये तो मेरा ड्रोन नहीं, इसको क्या कहेंगे हम, हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर सकता है। चार्जिंग पे लगाना है, कुछ चार्जिंग वार्जिंग नहीं। ऑन करूं, इसके अंदर बैटरी नहीं है। ये तो है, देखिए पकड़िए इसको, पकड़े ये पकड़। ओके अब इसको वहां से लेंगे पैंच कुछ, वो तो पूरा रेडी है चलने के लिए, पर इसके अंदर लगता है बैटरी खत्म हो चुकी है। पेंच का स्कैनर छोटा वाला है? छोटे वाला तो नहीं है भाई, कुछ तो होगा भाई। अब क्या कर सकते हैं? मामा मामा छोटे वाला पेंच का स्कैनर रखा है? मतलब कोई पेंच का सो कोई और पेंच का नहीं चलेगा राज भाई? चल गया चल गया चल गया चल गया, लाइट अभी जली थी, देखा आपने जली, देखा ना आपने, फिर से बंद हो गई। मुझे लगता है ये थोड़ा सा टैप करना पड़ेगा इसकी बैटरी। हाँ चलिए देखो, जब भी खोलना चाहिए आपको, देखो लाइट जल रही है। और ये हमारे आविष्कार युवराज सिंह तोमर चाकू से पैंच निकाल रहे हैं। कैसी है बैटरी खाना, सबको देखनी है, दिखाओ ना। बैटरी अच्छी है पर हमें और लानी पड़ेगी लगता है। ये होता है प्रॉब्लम क्या? देखो ये समझाता हूँ मैं, जब भी हम किसी भी बैटरी या सेल को यहाँ पे लगा के रख देते हैं तो ये जिंक निकालता है। कड़वा कड़वा हो गया, अब क्या होगा, इससे कोई दिक्कत हो जाती है, चीज़ें खराब हो जाती हैं। हमें ना बैटरी निकाल के रखनी चाहिए। ऐसे हमारे रिमोट के साथ हुआ था, एक सी रिमोट के जो उसके सेल नहीं चल रही थी उसके अंदर। हाँ 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 मैं तो बोलता हूँ पर मम्मी पापा ऐसे ही रख देते हैं कभी कभी। चल रहे है। चलो देखते हैं, मैं जाऊँ रूम में, देखो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है क्या नहीं, आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हो तो। मैं जहाँ भी हूँ वहाँ मैं ओके हूँ। मैं कहीं भी हूँ तेरी याद। तो देखते हैं हमारा क्या हेलीकॉप्टर उड़ भी पाता है क्या नहीं। अगर एकदम ले जाएगा ना तो एकदम भागेगा, बढ़ते ही लगेगा, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल आसान, थोड़ा बड़ा आ जा, इसकी बड़ा बड़ा करो, ठीक है। अब इसे मोड़ मोड़ रहा है, मोड़ रहा है, देखो कहाँ मोड़ रहा है, रुक एकदम अब हो गया। तो आलिगो प्लेन तो जैसा उड़ना था, मैं प्लेन कह रहा हूँ, कहते हैं अरे हेलीकॉप्टर जैसा उड़ना था, उड़ना उड़ गया बस। सब अपनी कार में अपनी तरफ चलेंगे। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखता हूँ, आशा करता हूँ कि अगर ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आज थोड़ा लो फील कर रहा हूँ क्योंकि दिमाग थोड़ा लो है, वो स्टार्टिंग में रीज़न बता दिया था।